इस्लामाबाद में पिम्स के 100 से ज़ायद नर्सिंग स्टाफ को ज़बानी हुकुम पर नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। नर्सेज को हॉस्टल खाली करने के नोटिस भी मिलने लगे हैं। बात करते हैं इमराना कौल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इमराना, मामला क्या है, ज़बानी कलामी ही फारिग किया जा रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, ऐसा है कि SMT के तहत इनको भर्ती किया गया था और जिनका कंट्रैक्ट जो है वो दिसंबर 2023 में ख़त्म हो गया था और इनसे 4 माह काम भी करवाया गया और 4 माह काम करवाने के बाद इनको ज़बानी हुक्म पर फारिग कर दिया गया। और ये तकरीबन 15 से 20 दिन सरापा एहतजाज रहे। इन्होंने पिम्स अस्पताल में बाकायदा एहतजाजी मुजाहरे भी किए 1 मई को, क्योंकि इनका वो ख़त्म हो गया था कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन्होंने योम मजदूर को इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस पे वजारत सेहत और मुतलका इंतजामिया ने इनसे वादा किया था कि इनके मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि इनको नोटिस मिला है अब इन खवातीन को जो कि दूर दराज इलाकों से आई हुई। खबर की तफसील आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका।